हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं गाऊं मैं शुभ शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम पुलक सागर एक नाम गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ध्यान रखना, एक हत्यारा वो जो किसी की हत्या करता है, चाकू मारता है, वो तो हत्यारा है ही, लेकिन हम भी हत्यारे हैं। यदि हम अपने घरों के रिश्तों को हत्या करते हैं, उन पर चाकू मारते हैं, संबंधों को तोड़ते हैं, तो हम भी हत्यारे। संबंध बनाए रखिए, ध्यान रखना, ये दौलत सदा काम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संबंध अच्छे होंगे तो विपत्तियों में सब हमारे काम आया करते हैं। कोई साथ नहीं देता दुनिया में, ना दौलत ना शोहरत ना इज्जत ना प्रतिष्ठा। आदमी की भावनाओं के संबंध ही बुरे समय में हमारे काम आया करते हैं। संबंध अच्छे होते तो रावण कभी नहीं मरता, और संबंध अच्छे थे तो राम जंगल में रहकर वानर सेना तैयार करके लंका पर विजय प्राप्त कर लिया करते हैं। केवल संबंधों के दम पर हुआ करता है। संबंध अच्छे नहीं थे तो सगा भाई विभीषण रावण का साथ छोड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, संबंध बना कर रखिए। इस संबंधों की डोर बड़ी नाजुक है, रही मन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ध्यान रख, हत्या मत करो संबंध निजी तनिक स्वार्थ के पीछे नहीं। ध्यान रखना, बहुत कीमती होते हैं ये रिश्ते, इतने आसान नहीं है। राखी का धागा भले नाजुक होता हो, लेकिन रिश्तों का धागा बड़ा मजबूत होता है। उसकी कीमत समझने का प्रयास करिए। संबंधों को जीवंत रखना है, पलकें झुका कर जियो, ध्यान नजरें उठा के मत जियो। झुक कर मिल रहे हैं ये कम ना समझना, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। झुकने से आदमी छोटा नहीं बनता, फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है। वही डाली झुकती है जिसमें फल रहते हैं, और जिसमें फल नहीं रहते वो बांस सीधे खड़े रहते हैं। ध्यान रखिए, और वो बांस किस काम आते हैं, खुद भी जलते हैं और राष्ट्र में तुम्हें भी जलाने के काम आया करते हैं। अरे संबंध ऐसे बनाइए कि झुक करके जियो, थोड़ा सा झुक जाओ। एक सूत्र दे रहा हूं, पलके झुका कर जियोगे दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी, और पलके उठा कर जियोगे तो तुम्हारी पलकें झुकाने वाला भी कोई ना कोई दुनिया पर मौजूद जरूर रहेगा। पलकें झुका करके जियो, अरे जितना पलकें झुकाओगे उतना ऊपर उठोगे जीवन में। ध्यान रखना, जीवन का गणित बड़ा उल्टा है। ऊपर उठना है तो उठ करके कोई ऊपर नहीं उठता है, झुक करके ही आदमी ऊपर उठता है। ध्यान रखना, झुको, झुक के जियोगे सब कुछ प्राप्त होगा। बड़ों के सामने छोटे बनोगे उनका प्यार मिलेगा, और बड़ों के सामने बड़े बनने की कोशिश करोगे तो विद्रोह होगा, संघर्ष होगा, घर में दीवार खड़ी हो जाएगी। बड़ों के सामने छोटे बन जाओ, बहुत महत्व है। जितने छोटे बनोगे, जब जब घर में लगे कि स्थिति बिगड़ रही है, छोटे हो जाओ, बड़ा कीमती होता है। एक बार सुराही से उसके ढक्कन ने पूछा कि तू गिलासों को भर देती है, कटोरी भर देती है, जो तेरे पास आता है उसकी प्यास बुझा देती है, लेकिन मैं सूखा का सूखा ही रहता। सुराही के ढक्कन को देख, सूखा का सूखा ही रहता, तू मुझे पानी क्यों नहीं पिलाती है? सुराही ने कहा कि तू कैसे पानी पिएगा पागल, तू प्यासा ही मरेगा। बोले क्यों? बोले तू मेरे सिर पे बैठता है,
वो गिलास मेरे चरणों में आता है इसलिए मैं उसे जल से भर दिया करती हूँ। जो सिर पर बैठता है वो प्यासा ही रहता है, वो रूखा ही रहता है। तू झुकना सीख जा, तू मेरे सिर से उतर के जरा एक बार मेरे चरणों में आकर के तू देख, देख मैं तेरी प्यास कैसे बुझाती हूँ। छोटे बन जाओ, ध्यान रख। कभी मंदिर गए हो तू? नहीं गए क्या? मैं तो समझ रहा था सब धार्मिक बैठे। मंदिर गए हो कभी? मंदिर के जाकर के देखना, मंदिर में एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। लेडीज जेंट्स दोनों है। एक होता है घंटा और एक होती है घंटी। दोनों को देखना। घंटा भगवान से दूर लटकता है दरवाजे पर, ख्याल किया कभी आपने? और घंटी भगवान के पास आती है आरती में। घंटे ने कहा कि मुझे दूर क्यों और ये पास क्यों? बोले इसलिए कि घंटा तू अपने को बड़ा समझता है तो बाहर लटका रहे, और घंटी छोटी समझती है तो भगवान के पास पहुंच जाया करती है। छोटी बनकर के जियो, घंटी भगवान के पास रहेगी, घंटा भगवान के दूर रहेगा। बोलो घंटा बनना है या घंटी? इतने अच्छे से कह रहे हो घंटी, घर में बताएगा तुम्हारा बंटी। ध्यान रखिए, छोटा होगा वो पास आएगा। अरे बड़े बनने से तो लौकी भी खराब हो जाती है मेरे भाई, बड़े बनने से तो वनस्पति भी बिगड़ जाती है, और छोटी रहती है तो बड़ी स्वादिष्ट हुआ करती है। ध्यान रखिए, छोटे बन कर दीजिए। जितना छोटा बनोगे उतना लोगों का, एक बार कोशिश तो करना कि 24 घंटे झांसी की रानी बनी रहोगे। कभी कभी गोल गोल रान पानी, गोल गोल रानी और इतना इतना पानी। बच्चे खेलते थे ना पहले छोटे से। जिस घर में हमेशा सास भी रानी बनी रहे और बहू भी रानी बनी रहे, तो तू भी रानी मैं भी रानी, अब कौन भरेगा पानी? ध्यान रखिए, एकाद को तो छोटे बनने ही पड़ेगा, छोटे बन जाओ। और आज तो जमाना बिल्कुल बदल चुका है, छोटे तो छोटे होते हैं। यदि घर को आनंद में बदलना है तो बड़े भी छोटे एक बार बन जाएं तो जीवन का आनंद प्राप्त हो जाया करता है। जितने छोटे बनोगे उतना जीवन महान होगा। बड़े बन करके मिलेगा क्या तुम्हें जीवन में? एक मेंढक था, उसने हाथी को देखा, मेंढक के मन में आया कि मैं भी हाथी जैसा बड़ा बनूंगा। अब बन जा बेटा बड़ा, कैसे बन जाएगा? बोले खूब खाया मेवा मिष्ठान, खूब दूध दूध मलाई रस मलाई, कितना बनेगा यार, तो कितना फूलेगा, हाथी जैसा तो हो नहीं सकता है। उसने कहा मुझे हाथी जैसा बड़ा बनना है। बड़ा दुखी हुआ मेंढक, पहले बड़ा सुखी था, फुदक फुदक के चलता था, पानी में तैरता था, सड़कों पर चलता था, बगीचे में रहता था, बड़े आनंद में। जब से हाथी को देखा, मैं भी बड़ा बनूंगा। अरे कैसे बड़ा बन जाए? रात दिन टेंशन तनाव, ये सब बड़े बनने की बहुत टेंशन होती है दुनिया में, ध्यान रखना। तो मेंढक ने सोचा कि मैं भी बड़ा बनूंगा। अब करे क्या, निकल रहा था, फुदकते हुए जा रहा था, रास्ते में एक पंचर की दुकान मिली। उसने देखा कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो पंप से हवा भरता है और ट्यूब फूल जाता है। अरे उसने कहा चलो इसके पास चलो। समझ गए क्या? ज्यादा बड़ा बनोगे तो यही दशा होगी। गया साइकिल के पंचर बनाने के पास और उसने जाकर के बोला कि भाई साहब ये पंप भी डाल लो। अरे तो उसने कहा तेरे पास कोई साइकिल है क्या? बोले साइकिल चोर। जब ये ट्यूब फूल सकता है तो मेंढक भी फूल सकता है, तो बोले करना क्या है? बोले मुझे हाथी बनना है। अरे उस साइकिल वाले का पागल है क्या, तू कैसे हाथी बन जाएगा, तू मेंढक है, मेंढक ही रहेगा। बोले तू हवा भर, पैसा दूंगा मैं तुझे, बड़ा हो जाऊं एक बार। अच्छा तो बोले हवा भर, अपने हाथ से लिया, पंजे से लिया, मुंह में पाइप लगा लिया। बोले मार हवा। अरे उसने कहा यार तू निपट जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तू तो भाग दे, मुझे बड़ा बनना, चाहे कुछ भी हो जाए। साइकिल के पंप वाले ने सोचा मरता क्या नहीं करता, दिया एक पंप। बोले चारों पैर फैल गए, अभी भी अहंकार नहीं टूटा। बोले और, आवाज तो निकल नहीं रही है, पंजे से हिला रहा, और उसने दूसरा और दिया, और फैल गया, और आंखें घुमाई। बोले और भार, जितना भर, जब तक हाथी ना बन जाओ। कहते तीसरा पंप प्रेस किया, चीथड़े उड़ गए। ध्यान रखना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं फल लागे रहते। बड़ा कौन होता है मेरे भाई। एक सज्जन आए जम्मू कुमार जी कल हमारे पास दर्शन करने, बाजू वाले थे, बोले महाराज ये बहुत बड़े आदमी है। अरे मैंने देखा, मैंने कहा है तो 5'4" के। बोले नहीं नहीं ये बहुत बड़े आदमी। तो मैंने कहा बड़े आदमी कैसे होते हैं। मैंने कहा भाई साहब खड़े हो, वो खड़े हो गए, मेरे से भी कम हाइट थी, इनसे भी कम, मेरे से कम तो चले इनसे भी कम हो गया बेड़ा पार। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा ये कैसे बड़े। बोले महाराज ऐसे नहीं। तो हमने कहा कैसे, तो बोले पैसे। मैंने कहा पैसे से बड़ा है। बोले हाँ। अरे मेरे भाई हजारों की भी दौलत कमा लो तो कोई बड़ा नहीं होता, पैसों से आदमी बड़ा नहीं होता, ध्यान रखना। महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तोलने वालों, आदमी तन से नहीं आदमी मन से बड़ा होता है। अरे मैंने कहा पैसे से कोई बड़ा होता है क्या। बड़े तो वो होते हैं जिनमें बड़प्पन होता है, बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए जिसमें प्यार होता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखिए तन से थोड़ी बड़े होते हैं। पलकें झुका कर जिया। अकबर के बारे में सुना होता कि दान देते थे ना तो पलके झुका लेते थे। लोगों ने कहा कि बादशाह आप सारी दुनिया को दान देते हैं और पलके झुका लेते हैं, अरे जरा शान से गर्व से दान दिया करो, हमारी जैन समाज में तो दान दो और साल नहीं उड़ाओ तो बेकार है मामला, पत्थर पे नाम नहीं लिखाओ तो किस काम का दान हमारा। ध्यान। अकबर ने कहा नहीं मैं कहां देता हूं, देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मेरो करे यात्रे नीचे। कुबुद्धि कर देता कि दान की भाव नहीं नहीं जगती, पाप में और व्यसन में सारा पैसा खर्च करा देता। ध्यान, ये उसका ही तो भाग है। नहीं तो बुद्धि पलट दे तो कह कहीं वनवास दे देती है, और बुद्धि सही हो जाए तो कोई यशोदा देवकी के बेटे को भी पाल कर बड़ा कर दिया करती है। ध्यान रखिए ये सब बुद्धियों का खेल है और कुछ नहीं है। सोचना है पलके झुका के जियो। जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है, दुनिया पर नजर रखो तो दुनिया हमसे नजरें फेरती है और दुनिया से नजर फेर लो तो दुनिया अपने को नजरें गड़ा कर देखती है। मुझे ही देखो ना, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, तो जब से इसे ठुकराया है पास आने को बेकरार है। जब दुनिया की चाहत थी तो दुनिया दूर भागती थी, और जब से दुनिया को छोड़ दिया दुनिया कहती एक बार हाथ रख दो हमारे सिर पर, पहले बेटा तुम हमको बैठने को जगह नहीं देते थे और आज संत बन गए तो हाथ रखवाने के लिए तरस रहे हो। सोचिए विचार करिए, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है पास आने, दुनिया से नजरें फेर लो दुनिया तुम पे नजरें गड़ा लेगी। कभी जैन मंदिरों की मूर्तियां देखना, उनके तीर्थंकरों की मूर्ति की पलकें झुकी है। अब इसमें मत जाना कि मैं कोई मजहब की बात कर रहा हूं, संप्रदाय की, दिगंबर संप्रदाय में आंखें झुकी हैं वो उनकी व्यवस्था है, और श्वेतांबर में उठी हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, वो उनकी व्यवस्था है। इस लफड़े में मत पड़ना, नहीं तो तुम लोग गलत अर्थ बहुत जल्दी लगाते हो। वो उनकी व्यवस्था है, ठीक है, अच्छी बात है, यहां झुकी हैं वो अच्छी बात है, इस लफड़े में मत जाना। दिगंबर संप्रदाय की मूर्तियां देखना तो उनकी पलकें झुकी हुई पलकें हैं। महावीर ने पलकें झुकाई, दुनिया ने उन्हें पलकों पे बिठा दिया। ध्यान रखिए जो पलकें झुकाता है दुनिया उन्हें पलकें पे बिठा लेती है, जो नजरें झुका करके जीता है दुनिया उस पर नजरें गड़ा लिया कर। तुम देखो ना मेरे ऊपर कैसी नजरें हैं तुम्हारी, पूरा पंडाल किसे देख रहा है बोलो, हम दो ही दिख रहे हैं बस। कई तो ये देख रहे हैं कि कौन से पॉइंट पे पेन चल रहा है, क्योंकि शाम को इनाम चाहिए,
लीडर चला तो अपन भी चला। कई की निगाहें तो पेन पर है, कई की निगाहें प्रवचन पर है, कई की निगाहें ऐसी कि मैं कुछ बोलता हूं तो पड़ोसी को कहता हूं जैसे उसके लिए बोला जा रहा, तू दूध का दूल्हा बेटा। आदमी बड़ा होशियार है तो दूसरे को समझाता, देख देख क्या बोल रहे हैं, जैसे खुद बिल्कुल गंगा नहा के बैठे हो। नजरें झुकाई, दुनिया नजरों पे बिठा देगी। सारी दुनिया निहारती, मेरे ऊपर कितनी दृष्टि है तुम्हारी। मैं आहार में जाता हूं तो नजरें गड़ा के देखते हो, मैं प्रवचन करता हूं तो नजरें गड़ा के देखते हो, मैं चलता हूं तो नजरें गड़ा करके देखते हो, मैं सामायिक करता हूं दरवाजे बंद है तो दरारों में से देखते हो कि अंदर चल क्या रहा है। आदमी बड़ा होशियार है, हर जगह मुझ पे नजर है क्योंकि मैंने तुमसे नजरें हटा दी है। दुनिया ऐसी ही होती है। अरे लोगों के बहकाने में मत आओ, पड़ोसियों की बात में ज्यादा मत आओ मेरी बहनों। पड़ोसी अपना नहीं है, वह तो चाहता है कि कब इस घर में आग लगे तो पानी नहीं डालेगा, वो तो पेट्रोल लिए बैठा है ना, कि आग लगे और मैं डालूं, मौका मिले और ये घर बिखर जाए। कौन कहता है कि मंथरा मर गई, आज भी हर घर में एक आध मंथरा तो दिखाई देती है जो घरों को तोड़ दिया करती है, घरों को बिखरा दिया करती है, संबंधों को नष्ट कर दिया करती है। इन संबंधों को बचाओ, दौलत बचे या ना बचे, क्या मिट्टी के ठीकरे के लिए, चंद रुपयों की खातिर जमीन जायदाद के टुकड़ों के लिए दो भाई अदालत में कटघरे में खड़े रहते। बेकार जिंदगी तुम्हारी, किस काम की जिंदगी। अरे मिट्टी की दौलत ध्यान रखना, यदि भाग्य में है तो कोई भाई छीन नहीं सकता है, और भाग्य में नहीं है तो कोई माँ बाप तुम्हें दौलत दे नहीं सकते हैं। ध्यान रखिए, समय से ज्यादा और भाग्य से पहले जीवन में कुछ नहीं मिला करता है। यदि इसमें लिखा के लाए हो तो दुश्मन भी आके दौलत देगा। एक बात बताइए, आप बैंक में जाते हैं, यदि बैंक में काउंटर पर कैशियर की सीट पर आपका दुश्मन बैठा है और आप उसके सामने पासबुक रखते हैं और बैलेंस नील है तो वह भुगतान करेगा। एक सगा बेटा यदि बैठा है, अपना ही बेटा, अपना पैदा किया, जो अपना ही बहुत चाहता है, अपनी आंखों का तारा है, और यदि आपका बैलेंस नील है तो वो भुगतान करेगा या नहीं करेगा, बोलिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सगा बेटा भी नहीं करेगा, वो दुश्मन बैठा है और बैलेंस बाकी है तो भुगतान करेगा कि नहीं करेगा? क्यों, वो तो दुश्मन है, क्यों करेगा? बैलेंस है तो दुश्मन को भी देना पड़ेगा, और बैलेंस नहीं है तो सगा बेटा भी तुम्हें नहीं देगा। वो वही मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके भाग्य में पुण्य है तो दुश्मन भी साथ देगा, और पुण्य नहीं है तो बेटा भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है, तकदीर में जो लिखा है कोई छीन नहीं सकता है, और जो तकदीर में नहीं है उसे दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति, प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन P75 गली नंबर 5 बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन शाहदरा दिल्ली 110032 मोबाइल 9198109006999 ईमेल पुलकवाणी@gmail.com।